स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के रिपीटेड क्वेश्चंस अब तक इसके 7 भाग पर हमने प्रैक्टिस कर लिया है, ये 8वां भाग है। और मैंने तो पूरा प्रयास किया है कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी बताते समय, लिखते समय, बोलते समय या कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए करें क्या कि आप कमेंट्स बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लिया करें। आप लोग भी सावधान रहें और सतर्क रहें। अगर कहीं कुछ मिस्टेक लगता है तो आप कमेंट्स करके उसका आंसर भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 163, हॉकी मैदान की लंबाई कितनी होती है? पहला प्रश्न है, हॉकी मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 100 यार्ड। 100 यार्ड या मीटर में कहें तो हॉकी मैदान की लंबाई कितनी होती है? 91.40 मीटर। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने खूब प्रैक्टिस किया है, खूब अभ्यास किया, तो अभ्यास के माध्यम से अपने जो नॉलेज को है और मजबूत बनाइए, ठीक है? राष्ट्रीय खेल है अपना, तो ये मेजरमेंट बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हॉकी मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? हॉकी मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 60 यार्ड, या फिर मीटर में बात करें तो 55 मीटर, ठीक? चलिए प्रश्न नंबर 165, हॉकी का मैदान 4 भागों में बटा होता है, वो कितने कितने यार्ड में 4 भाग बटे होते हैं, या फिर कितने कितने मीटर में वो 4 भाग बटे होते हैं, ठीक? चलिए, हॉकी का मैदान 4 भागों में बटा होता है 25-25 यार्ड, यानी 25 यार्ड पहला, 25 यार्ड दूसरा, 25 यार्ड तीसरा और 25 यार्ड चौथा, यानी 25-25 यार्ड के 4 भाग होते हैं। लेकिन अगर मीटर की बात करें तो मीटर में कितना होगा ये भी बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा 23 मीटर, कि 4 4 भाग में बटे होते हैं, ठीक? चलिए प्रश्न नंबर 166, शूटिंग सर्कल से जेब्रा लाइन की दूरी कितने यार्ड की होती है, ठीक है? शूटिंग सर्कल से जेब्रा लाइन की बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक? सही जवाब 5 यार्ड। इसको नोट करते चलिए और याद करते चलिए। नेक्स्ट, हॉकी में पेनाल्टी स्पॉट का व्यास कितना होता है? हॉकी में पेनाल्टी स्पॉट का व्यास इंच में भी बताना है और सेंटीमीटर में भी बताना है। जी बताएं, सही जवाब 6 इंच। सेंटीमीटर में कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। ये होता है हॉकी में पेनाल्टी स्पॉट का व्यास 6 इंच या 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, पेनाल्टी लाइन से गोल लाइन की दूरी कितनी होती है, ठीक है? पेनाल्टी लाइन से गोल लाइन की दूरी कितनी होती है ये बताना है, ठीक? तो सही जवाब 7 यार्ड। लेकिन अगर इसको मीटर में बात किया जाए तो ये कितने मीटर में हो जाएगा? तो 6.475 मीटर। कितना? 6.475 मीटर, ये हो जाएगा पेनाल्टी लाइन से गोल लाइन की दूरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 169, हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, सही बताएं? तो सही जवाब होगा 105 सेंटीमीटर। हॉकी स्टिक की लंबाई अधिकतम 105 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक? प्रश्न नंबर 170, हॉकी स्टिक की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कितने इंच की होनी चाहिए? सही जवाब 2 इंच, अधिकतम 2 इंच होनी चाहिए हॉकी स्टिक की चौड़ाई। नेक्स्ट, हॉकी का घूमा हुआ हिस्सा
किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी जो हॉकी का घूमा हुआ हिस्सा रहता है वो कितना होना चाहिए, ठीक है? तो ये होना चाहिए 4 इंच, 4 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हॉकी खेल में कुल प्लेयर कितने होते हैं टोटल, ठीक है ना? तो इसको ऐसे समझ लीजिए, टोटल 18 प्लेयर होते हैं, ठीक, जिसमें 11 प्ले होते हैं और 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। प्रश्न नंबर 173, हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? ठीक, बताएं हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट हो जाएगा। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 174, हॉकी गोल की लंबाई कितनी होती है? प्रश्न नंबर 174 है, हॉकी गोल की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब 2.14 मीटर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 175, हॉकी गोल की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक, प्रश्न नंबर 175 है, हॉकी गोल की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक, सही जवाब 3.66 मीटर, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 176, हॉकी बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? प्रश्न नंबर 176 है, हॉकी बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? तो 0.46 मीटर, 0.46 मीटर, ठीक है ना? या फिर इंच में बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 18 इंच, ठीक है, ये हो जाएगा हॉकी बैकबोर्ड की ऊंचाई 0.46 मीटर या फिर 18 इंच। चलिए प्रश्न नंबर 177 की तरफ, हॉकी गोल की साइड बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? प्रश्न नंबर 177 है, हॉकी गोल की साइड बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? सही जवाब 122 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर, यानी 177 का क्या होगा, 122 नहीं सॉरी क्षमा करें 120 सेंटीमीटर। हॉकी गोल की साइड बोर्ड की जो चौड़ाई होती है वो होती है 120 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 178, हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? प्रश्न नंबर 178 है, हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2 इंच, कितना 2 इंच, या फिर कह लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये होती है हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 179, हॉकी गोल नेट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? हॉकी में जो गोल की नेट होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है, तो 4.5 सेंटीमीटर गुणे 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4 × 5 सेंटीमीटर × 4 × 5 सेंटीमीटर, यानी जितनी लंबाई होगी उतनी उसकी चौड़ाई भी होगी। प्रश्न नंबर 180, हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? इसको ग्राम में भी बताना है और औंस में भी बताना है, ठीक है ना? तो 156 से 163 ग्राम, 156 से 163 ग्राम, ठीक, 156 से 163 ग्राम हो गया, या फिर 5.5 से 5.7 औंस, ये होता है हॉकी के बॉल का वजन, ग्राम में 156 से 163 ग्राम और औंस में 5.5 से 5.7 औंस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, हॉकी बॉल का रंग कैसा होता है? हॉकी बॉल का रंग कैसा होता है? अगर हरा सतह है तो सफ़ेद होगा, ठीक है, और नीला सतह है तो पीला होगा, ठीक। तो इसका कॉन्सेप्ट ये हो गया। प्रश्न नंबर 182, हॉकी स्टिक का भार कितना होता है?
हॉकी स्टिक का भार कितना होता है, इसको ग्राम में भी बताना है और औंस में भी बताना है। ठीक, तो ग्राम में हो जाएगा 340, 340 ग्राम से हो जाएगा आपका 737 ग्राम, 737 ग्राम। ठीक है, ये हो गया हॉकी स्टिक का भार। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 183, हॉकी में डी का दायरा कितना होता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हॉकी में डी का दायरा कितना होता है। तो सही जवाब आपने कहा 16 यार्ड, लेकिन मीटर में अगर बात किया जाए तो मीटर में कितना होगा, 14.63 मीटर, 14.63 मीटर ये होता है हॉकी में डी का दायरा। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन्स के रिपीटेड क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।